नम है आंखें, मौन हर साज है। रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मंच पे आए और आज के कार्यक्रम के बारे में। आगे से लेते जाओ, ये आगे आराम से, आराम से, आराम से खड़े आगे, इधर से ये लाइन रही अभी इधर ले से आजा। लक्ष्मीकांत इंदु जी, दिलों पर राज है, आज भी हमारे दिलों पर राज है। आज के इस कोच साहब की पांचवी पुण्यतिथि पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र मोहन सूरी जी, डीपीओ पुंज, यहाँ पे मौजूद है, सबका मैं वेलकम करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 5 साल पूरे हो चुके हैं हमारे कोच साहब को हमसे जुदा हुए। आज का मैच ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद है कि उनकी याद जो हमारे दिलों में हमेशा रहे, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारे साथ रहे। हम चाहे लाइफ के किसी भी मोड पे हो, किसी भी लम्हे में हो, उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे साथ सदैव रहे। जितने भी प्लेयर्स आज आप यहाँ पे खेलते हुए देख रहे हैं, वो सिर्फ उनकी मेहनत और उनकी ही लगन का नतीजा है कि आज दिन तक वैसी ही हॉकी यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके फुटप्रिंट्स पे चल के ये हॉकी हम लोग इससे भी आगे लेके जाएं। टेबल टेनिस एसोसिएशन जेएनके की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ इस मैनेजमेंट कमेटी को और खासकर मनु जी को और कोच साहब के सभी बच्चों को, जिन्होंने इस लेगेसी को उनकी डेथ के बाद जिंदा रखा और इस हॉकी को नेशनल लेवल तक उनके जाने के बाद भी ऐसे बच्चे प्रोड्यूस किए, वो चाहे गर्ल्स सेक्शन हो या बॉयज सेक्शन हो, नेशनल लेवल तक बच्चे उनके इस दुनिया को जब वो उन्हें अलविदा किया उसके बाद भी ऐसे बच्चे उन्होंने प्रोड्यूस किए, तो जिन्होंने हमारा पुंछ का नाम, हमारी रियासत यूटी का नाम नेशनल लेवल पे रोशन किया। मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ और बड़े फख्र से कहता हूँ, अगर पुंछ के अंदर आज गर्ल्स खेल रही हैं हॉकी की गेम, तो वो हमारे कोच साहब की देन है। 1900 जैसे किसी ने बोला कि 1990 से, और बाकी रहा कोच साहब के साथ मेरा बड़ा जाती, एक मेरा जाति बड़ा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टेबल टेनिस को भी मैं 32 साल से पुंछ के अंदर रियासत के अंदर चला रहा हूं। तो जब भी हमारे कभी स्टेट चैंपियनशिप होती थी तो कोच साहब अक्सर हमें जम्मू में स्टेडियम में कहीं ना कहीं मिलते थे। कभी इनकी अपनी हॉकी की स्टेट होती थी या नेशनल की टीम्स लेके जाते थे, तो मैं अपना पर्सनली मैं अपने आप को समझता हूँ कि हमें भी बड़ा लॉस हुआ है उनके जाने पर। पहले सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उनके बच्चों को, जिन बच्चों ने आज खैर उनकी तो बहुत तीनों बच्चों की बड़ी हायर क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एकेडमी के हो चाहे प्रोफेशनल हो, तो मैं उनको मुबारक इसलिए देता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी की जो है एक परंपरा हॉकी पूंछ में हॉकी को जिंदा रखा तकरीबन पिछले 30 साल से कोच साहब ने, तो इन बच्चों ने उस परंपरा को आज भी जिंदा रखा है। आज ही के दिन अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए श्री श्यामलाल जी अपनी अगली यात्रा के लिए हमसे विदा हुए। श्यामलाल जी की बात अगर कही जाए तो मैं उन्हें आज के दिन शहीद का दर्जा देता हूं। शहीद उसे कहते हैं जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में सर्वोच्च बलिदान देते हैं, यानी कि अपनी जान दे देते हैं। और आप सबको पता है कि जिस दिन वो हमसे बिछुड़ के गए
उस दिन भी वो अपनी टीम के बच्चों के साथ पुंछ जम्मू से पुंछ की ओर आ रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और नियुति ने हम उन्हें हमसे छीन लिया। यानी कि वो तब भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उस ड्यूटी के दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है और यही डेफिनेशन है एक शहीद। जहां तक गेम ऑफ हॉकी का तलक है तो अभी आपको बताया भी गया कि 1968 में एक लड़का जो पुंछ के अंदर बिना किसी कोचिंग के बिना किसी अदरवाइज गाइडेंस के हॉकी की स्टिक उठाता है, दूसरों को देखते हुए खुद खेलता है और अपना लोहा इस कदर मनाता है कि पहले ही साल में उसे जम्मू कश्मीर की हॉकी की टीम में बतौर प्लेयर जो है वो चुना जाता है कि उनकी शुरुआत का लेवल कैसा रहा होगा। यहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जबकि यूनिवर्सिटीज की टीम में अगर आपको चाहिए तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस और वो बच्चे आपके साथ रहते हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप लोगों को देखता हूं तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं खुद एक प्लेयर रहा और डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जब मैं यहां से मुझे स्पोर्ट्स में जाने का बाहर मौका मिला तो वो स्कूल नेशनल की ये स्टेट जो थी स्टेट चैंपियनशिप थी स्कूल की स्कूल्स की और मैं बतौर हॉकी प्लेयर यहां से कोई साहब के साथ जम्मू के लिए निकला। और अगर दूसरी बात अगर आपको सुनाऊं कि हॉकी के अंदर किस कदर बॉल और हॉकी की लड़ाई रहती थी कि मैं उसे देख के डर गया। आज के दिन पुंछ में हॉकी के लीजेंड माने जाने वाले श्यामलाल शर्मा जी की 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी। ये वो शख्स थे जिन्होंने पुंछ के अंदर हॉकी में जो है एक रेवोल्यूशन लाया और पुंछ के अंदर हॉकी को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया कि यहां से सबसे ज़्यादा अगर आप तादाद गिनी जाए तो नेशनल खेलने वाले सबसे ज़्यादा प्लेयर पुंछ के अंदर हैं और पुंछ के अंदर लड़कियों के हॉकी को इंट्रोड्यूस करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज पुंछ के अंदर जम्मू कश्मीर की टीम के अंदर 50% से ज़्यादा जो हॉकी प्लेयर गर्ल्स सेक्शन में होते हैं वो पुंछ से होते हैं। ये सब इन्हीं की देन है, ये इंटरनेशनल एम्पायर भी रहे हैं और उस टाइम इन्होंने हॉकी में अपना वर्चस्व कायम किया जब रिसोर्सेज बड़े कम होते थे, पुंछ एक दूर दराज का इलाका था, तब भी इन्होंने अपने लेवल पे हॉकी खेली और अब खुद भी बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचे और उन्हीं के याद में आज उनकी 5वीं डेथ एनिवर्सरी और हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर यहाँ उनकी याद में एक एग्जीबिशन मैच करवाया जाता है और उसके बाद जितने भी यहाँ खिलाड़ी होते हैं उनमें स्पोर्ट्स किट जो है वो बांटी जाती हैं तो उसी की कड़ी है। आज वही मैच हुआ है और उसके बाद प्लेयर्स के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स किट जो है वो बांटी गई।